हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का। इस क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन हमें कहता है जी, देखिए क्वेश्चन कहता है, सॉरी हाँ साइज थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन का गिवन पार्ट देखिए। क्वेश्चन कहता है जेड लिमिटेड हैज फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो हमारे पास कंपनी है जेड लिमिटेड, ठीक है, और उनके बैलेंसेज गिवन है, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 18। क्या क्या बैलेंसेज हैं, किस किस चीज के हैं? जनरल रिजर्व दे रखा है इनको, जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है कितना, ₹2,50,000। ओके, इसके बाद इन्हें कैपिटल रिजर्व का बैलेंस भी दे रखा है इन लोगों ने, कैपिटल रिजर्व है हमारे पास कितना, 1,50,000 का, 1,50,000। एंड लास्ट हमें दे रखा है SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ PNL, प्रॉफिट एंड लॉस बोल दूं मैं इसे, कितना है, ₹2,00,000। तो ये बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2018 को। इनका टोटल अगर करें तो टोटल कितना आ जाएगा जी, हमारे पास ये आएगा 5 और 1 6, 6 लाख रुपीज टोटल आता है इनका, ठीक है। चलिए टोटल हमने कर लिया, क्वेश्चन ने नहीं दे रखा था ये। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, कहता है इस साल में, ड्यूरिंग द ईयर इट इनकर्ड अ लॉस, कंपनी ने क्या किया, इट इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 7,10,000, 7,10,000 का कंपनी को नुकसान हो गया, ठीक है ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमें कहता है शो हाउ दीज आइटम्स वुड अपियर इन बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये चीजें बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट में किस तरीके से अपियर होंगी ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ये तो ओपनिंग यानी पिछले साल के क्लोजिंग है, तो ये बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस की तरह आ जाएगा 6 लाख रुपीज। आइए तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन को, फॉर्मेट हम लोगों ने बना रखा है आप लोगों के लिए। देखिए हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में पिछले साल का बैलेंस कितना आ गया, 6 लाख रुपीज आ गया। इस साल का क्या अमाउंट आएगा वो देखें जरा। तो आइए तो नोट्स टू अकाउंट्स पर चलें इसके लिए, और नोट्स टू अकाउंट्स में वर्किंग नोट बनेगा या नोट नंबर 1 बनेगा ये। आइए जी देखें क्या है यहां पर। देखिए सबसे पहले हमारे पास इन्होंने बैलेंस दिया हुआ था किसका जी, जनरल रिजर्व का। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहली चीज जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ही है, यानी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, कितना है जी, 2,50,000। 2,50,000 का बैलेंस है, इसके अलावा इसमें कोई एडिशन डिलीशन क्वेश्चन ने नहीं बताया इस बार, तो एज इट इज यही बैलेंस आ गया। उसके बाद बात करें सेकंड है जी कैपिटल रिजर्व में भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग तो है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही ओपनिंग क्लोजिंग बन जाएगा हमारे पास, 1,50,000 ही आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इसके बाद आता है थर्ड यानी सी स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंडर में क्या, SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात करें तो शुरुआती बैलेंस ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास दो ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूं इसे मैं, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपीज का, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है जी, इसमें आप ऐड कर दो प्रॉफिट, या अगर लॉस होगा तो माइनस में दिखा देंगे, या माइनस करके चलो दिखा देता हूं ये लोग, क्योंकि माइनस है, एक ही आइटम है, माइनस करो लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 7,10,000 का नुकसान हो गया, ठीक है जी। चलिए तो 7,10,000 माइनस करो 2 लाख में से, कितना आ जाएगा जी मेरे पास बताइए आप, कितना आएगा, 5,10,000, ठीक है, 5,10,000 आ गया हमारे पास। ये नेगेटिव का अमाउंट है, ध्यान रखना, ठीक है, पॉजिटिव 2 लाख का था, लॉस 7,10,000 का है, तो नेगेटिव में 5,10,000 आए, तो टोटल कितना आ जाएगा। अब टोटल करेंगे तो सारी चीजें एडजस्ट होंगी, रिजर्व दोनों पॉजिटिव के हैं, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, और जो हमारा SPL का बैलेंस है वो नेगेटिव में है, तो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आएगा, कितना आएगा जी, 1,10,000 बता रहे हैं, 1,10,000 नेगेटिव का अमाउंट आ गया। ये जो 1,10,000 नेगेटिव में आया है ये हमारा टोटल है जी नोट्स टू अकाउंट्स में, किसका, रिजर्व एंड सरप्लस का। इसे 1,10,000 को कहां लिखेंगे आप, यहां लिख देंगे करंट ईयर के डेटा में, ठीक है। अच्छा कंपनी का नाम मैंने लिख देता हूं, ये हम एक तो बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एट 31
मार्च 2019 है ना जी, 2019, हाँ 2019 है, और कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड। चलिए तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले पार्ट पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा ये लीजिए, अब पूरा दिख रहा है क्वेश्चन, नहीं दिख रहा, ये लीजिए अब शायद पूरा दिख जाए, अब तो दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं।